पलवल शहर में बढ़ रहे जुआ व शराब के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार कौशिक के दिशा निर्देशानुसार सीआईए इंचार्ज सुरेश भड़ाना की टीम ने पलवल की सब्जी मंडी से 23 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। इंचार्ज सुरेश भड़ाना ने बताया कि उन्हें मुखबिर की खास सूचना प्राप्त हुई कि सब्जी मंडी में कुछ लोग आपस में जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही टीम का गठन किया गया, जिसमें एसआई सतीश, एएसआई शहीद अहमद, ई एसआई अभय सिंह, हेड कांस्टेबल राकेश करमवीर, सुंदर सिपाही सोनू, नरेंद्र, वीरेंद्र, राजू, गोविंद व अनिल को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी और मौके से गांव आलापुर निवासी वीर सिंह, जवाहर नगर कैंप निवासी शंकर, मोहित, मोहन नगर निवासी सुनील, शमशाबाद निवासी बलबीर, फिरोजाबाद यूपी निवासी धर्मेंद्र, सल्लागढ़ निवासी विजय, गांव काशीपुर निवासी मनोहर, जवाहर नगर कैंप निवासी जोगेंद्र, गांव जनोली निवासी महेश, कारंग की सोहना निवासी वीरेंद्र, इंद्रपुरी मोहल्ला निवासी प्रवीण, तुहीराम कॉलोनी निवासी शंभू, सल्लागढ़ निवासी अंतराम, मोहन नगर निवासी विनोद, गांव बड़ोली निवासी विनोद, आदर्श कॉलोनी निवासी बल्ले, संजय कॉलोनी निवासी नीरज, गुप्तागंज बाजार निवासी संतराम, जवाहर नगर कैंप निवासी गौरव, कृष्ण कॉलोनी निवासी फूलचंद, जवाहर नगर कैंप निवासी नरेश कुमार व हरिनगर निवासी राहुल को काबू किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के कब्जे से 67,890 रुपए की नकदी को बरामद किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। कल एक दोपहर को हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि न्यू रेलवे स्टेशन के आसपास दो पार्टियां जो आपस में जुएबाजी कर रही है। जो इन्फॉर्मेशन पे हमारी हमने टीम गठित की और दोनों टीमों को हम भेजा। ऑन द स्पॉट मौके से हमने दोनों टीमों को अपने काबू किया। एक टीम से हमारे समथिंग 32,000 समथिंग रुपए रिसीव हुए और एक से 35,000 के आसपास, जो जिसमें टोटल 23 बंदे हैं, एक टीम में 11 और एक में 12। तो क्या जांच है, कार्रवाई क्या करनी है इनके खिलाफ? इन्होंने जो भी है अपना 13(3) गैमली एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, सभी को अरेस्ट किया गया और सभी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पलवल से मुकेश बघेल। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।